हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे आप सभी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का समय है और 1:30 बज गया है। फ्रेंड, आप लोगों के मैं कमेंट पढ़ रहा था और मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों का कमेंट पढ़ के। आप लोगों ने हमको बहुत हिम्मत और हौसला दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड, मुझे बहुत खुशी भी मिली और अच्छा भी लगा। और आप लोगों ने जो हौसला दिया ना फ्रेंड, तो मैं आप लोगों की बात से ये सहमत हूँ कि जो हुआ फ्रेंड वो तो हो गया। अब होने को तो कोई टाल भी नहीं सकता, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अब आगे की ज़िंदगी जो है ना फ्रेंड, वो कैसे कटेगी और उसको कैसे काटना है, ये भी अब हम दोनों पति पत्नी के साथ ही चलेगी। तो अभी तो सुबह से हम लोग गए थे फ्रेंड, कंपनी गए थे। आपसे बताया मैंने पिछले वीडियो में कि जो कंपनी से आटा लेके आए थे ना फ्रेंड, तो वो हम लोगों ने बना भी नहीं पाए। तो उसे हम लोग अभी कंपनी में जमा करके आ गए। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था कि जो हुआ तो हुआ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है। वैसे दुख तो बहुत, क्योंकि किसी का यदि अगर हाथ चला जाना तो वो तो जीवन तो बर्बाद हो ही रहा फ्रेंड। लेकिन इस बात की खुशी है फ्रेंड, क्या है ना, जब हादसा हुआ था ना ज्योति के साथ, तो गाड़ी तो मैं ही चला रहा था। तो क्या हुआ फ्रेंड, मैं तो बच गया जैसे तैसे भी। मतलब मेरे ऊपर भी गाड़ी वाले ने इस तरह से टक्कर मारी थी ना कि मुश्किल हो जाता मेरा भी बचना। लेकिन क्या कहते ना, जिसके साथ जैसा होना है वो ही होगा। तो मैं तो बच गया फ्रेंड, लेकिन ज्योति क्या गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी, तो ये जैसे मैंने ब्रेक मारा तो फिसल गई गाड़ी, तो ये नीचे भड़ाक से गिर गई। तो क्या फ्रेंड, ये हाथ के बल गिरी, तो इसका जो हाथ है ना वो फ्रैक्चर हो गया। तो मुझे फ्रेंड इस बात का खुशी है कि आज जब ये गिरी थी ना, तो मैं तो सामने ही था, तो मैंने वो गाड़ी वाले का पीछा करने के लिए मैं उसके पीछे पीछे भागा, तो वो तो अपनी गाड़ी लेके निकल गया फ्रेंड। तो क्या हुआ, जैसा भी हुआ, तो फ्रेंड मैं आप लोगों से ये बस कहना चाहता था कि जैसा तो हो गया तो हो गया। बस यही खुशी है कि कम से कम ज्योति जी जो है ना, देखो काफ़ी परेशान तो है, लेकिन कम से कम उसकी जान बच गई फ्रेंड की। नहीं तो गाड़ी ने तो आज उसकी जान ही ले लेती। बस यही खुशी है फ्रेंड मुझे, और आप लोगों को भी यही खुशी हुई होगी कि आपने हमारा वीडियो देखा होगा, तो सोचते रहे होगे कि चलो दीदी की जान बच गई। तो फ्रेंड क्या है ना, जान से बढ़ के तो दुनिया में कुछ नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं मुझसे कि ये भी कमेंट था कि आप कोई जॉब करो, तो बस फ्रेंड जॉब का तो मेरी ऐसा है कि आज 2 तारीख तो हो गई है फ्रेंड, मैं आप लोगों से जब वीडियो बना रहा हूँ, बस मेरे मालिक आ जाएंगे 10 तारीख को, तो फ्रेंड मेरी जॉब चालू हो जाएगी। तो मुझे तो फ्रेंड मेरी जॉब से सिर्फ इतना ही मिलता है, सच बताऊँ तो क्या सिर्फ इतना कि मैं अपनी जॉब से इन लोगों का पेट तो चला सकता हूँ, लेकिन पेट चलाने के साथ साथ फ्रेंड और भी खर्चे रहते हैं ना, जैसे कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई, कोचिंग का खर्चा, और भी मतलब आप जो परिवार वाले हैं, जो परिवार की गृहस्थी चला रहे, वो तो समझते हैं और जान भी सकते हैं कि घर चलाने में कितना खर्चा होता है और किस परिस्थिति और परेशानियों से लोग घर चलाते हैं। क्योंकि फ्रेंड मेरा तो सबसे बड़ी बात एक ये भी है ना, क्योंकि मेरा जो हाथ मतलब मेरा जो पैर है ना वो भी ख़राब है ना। तो फ्रेंड क्योंकि ये तो मेरा पैर 12 साल हो गया, मतलब शादी होने के ना 1-2 महीने पहले ही मेरे पैर का ना एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा भी पैर पहले से ही विकलांग है। तो फ्रेंड क्योंकि मैं भी ना ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर पाता हूँ, और फ्रेंड झूठ भी क्यों आप लोगों से तो नहीं अब मैं बोलना चाहता और ना ही बोलूँगा, क्योंकि फ्रेंड मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, तो अभी कोई ऐसी नौकरी भी नहीं मिल पा रही कि जिसमें इतना पैसा है कि हम अपने घर परिवार की पूर्ति कर पाएँ। अब जो कुछ ही मिलता है फ्रेंड, तो अब आप समझ सकते हैं कि मजदूर लोगों की ज़िंदगी में रखा ही क्या, बस यही थोड़ी बहुत मिल जाता है खर्चा के लिए।
तो अपना परिवार चल रहा है, बस खाना पीना चलता रहता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड, मैं अब ज्योति जी तो ये लेटी हुई हैं, अब इनकी बिल्कुल हिम्मत भी नहीं है कुछ काम वाम करने की। देखो ना, हाथ भी नहीं चल रहा है, चलाने की कोशिश कर रही है, उंगली बिल्कुल भी नहीं मुड़ रही है, देखिए ना आप। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं ही थोड़ा सा सपोर्ट करूं, ज्योति जी की मदद करूं, क्या चाय का बहुत शौकीन है तो चाय बना लेता हूं, तो ताकि उसको पिला दूं। सुबह से बहुत उसके हाथ में पेन हो रहा ना, मुझे भी देखा नहीं जा रहा फ्रेंड, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जैसे भी अब करवाऊंगा मैं उसका इलाज, अच्छे से करवाऊंगा, जैसे भी हो सकता है मुझसे तो मैं करूंगा कोशिश। तो एक तो फ्रेंड क्या है ना, मैं किचन का काम करता नहीं हूँ ना, तो मेरे को समझ में भी नहीं आता जब मैं किचन के अंदर आ जाता हूँ ना, नहीं बना दे रहा ना, तो चाय पी लेगी तो अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही लगेगा। काली ही चाय बना ले रहे ना। चलिए फ्रेंड, मेरे को गंजी तो मिल गई कम से कम, यहाँ है शक्कर चाय पत्ती ही मिल गया। अदरक है अपने पास कि नहीं है? अदरक नहीं है, आज बिना अदरक की चाय पीना पड़ेगा। तो क्या है ना फ्रेंड, महंगाई में इतना बेहाल लोग हाल है, हर चीज़ का आजकल, सब्जियों का तो इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया कि इंसान का खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। टमाटर देखो तो हमारे यहाँ तो 250 रुपये किलो हो गया है। हाँ चलिए फ्रेंड, तो चाय की तैयारी मैं कर लूँ, फिर उसके बाद ज्योति जी को मच्छर काट रही हैं, बोल रही हैं कि मोर्टिन जला दो, तो वो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है। जब तक चलिए अपन ज्योति जी से भी मिल लें, बहुत चिल्ला रही है, बोल रही दर्द हो रहा दर्द हो रहा। तो फ्रेंड मेरे को हंसी आ रही है, आप लोग ये मत सोचा कि कैसे पति हो, तड़प रही है, तू मच रहे, मेरे को हंसी लिए आ रही, मैं उसको बोल रहा हूँ हौसला रखो। देखिए फ्रेंड, ऐसे दुनिया में किसी चीज़ का वो नहीं है, एक ना एक दिन ठीक तो हो ही जाता है। मैं अपने से ही जानता हूँ, मेरा तो पैर का हड्डी गला हुआ है, मेरे को 12 साल पहले ही डॉक्टर लोगों ने बोला था कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना बड़ा फ्रेंड उन्होंने मेरे को दिखाया था, बॉल दिखाया था, उसमें एक राड लगी हुई थी, उन्होंने बोला कि ये जो राड है ना तुम्हारे पैर में लगाना पड़ेगा। तो क्या मैंने तो वो राड ही देखे घबरा गया, मैंने नहीं भैया मेरे को ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं कराना, और जैसा है मैं वैसे ही ठीक हूँ। और आज भी फ्रेंड बस ये है कि दौड़ नहीं पाता हूँ, ज़्यादा मेहनत के काम नहीं कर पाता हूँ, ज़्यादा वजन वजन नहीं उठा पाता हूँ, लेकिन ये है कि चल रहा हूँ फिर रहा हूँ बस, ठीक है। वही मैं ज्योति जी का समझा रहा हूँ, देखो हंस दी मेरी बात से। 2 दिन बाद आज इसके चेहरे में फ्रेंड मुस्कान दिख रही है, क्या बहुत ज़्यादा परेशान है ना। चलो वीडियो बनाते समय कम से कम हंसने लगी, मेरे को इसी में खुशी मिल रही है। देखो ये कैसे कर रही, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, ठीक हो जाएगा, बस ये है कि अब अपने से भी तो रखो ना, अब अपन घबराएंगे फ्रेंड, यही यही सोचते रहेंगे, अरे क्या हो गया क्या हो गया अपन को, ये क्या हो गया, तो फिर तो ऐसे में वो तकलीफ और बढ़ाते जाएगी ना फ्रेंड। आप लोग भी समझाइएगा दोस्तों, क्या आप लोगों के ना कमेंट पढ़ के ना ज्योति मतलब वो हो जाती है क्या, मोटिवेट हो जाती है ना, तो उसको भी हौसला मिलेगा, नहीं तो वो ना इतना घबरा रही है कि अरे जब एक्सीडेंट हुआ ना तो वहीं ऐसे चिल्ला रही थी, बचा लो मेरा हाथ टूट गया हाथ टूट गया। तो मैं तो खटाक से मैं गाड़ी वाले का पीछा करने चला गया ना, तो फिर तुरंत आया फ्रेंड, मेरे को भी क्या घबराहट हुई, ये बच गई नहीं तो सिर इसका फूट गया, मतलब सिर में भी चोट लगने के आसार थे, लेकिन ऊपर वाले ने भगवान ने बहुत मदद करा फ्रेंड, और इसी बात की खुशी कम से कम जान तो बच गई, नहीं तो जान से चली फिर तो उसको तो फिर कोई नहीं सही कर सकता, ये तो हम सभी जानते, एक बार जान गई तो फिर उसे कोई नहीं निकाल सकता। तो चलिए फ्रेंड, चाय तो अपनी बन रही है, चाय देख लें अपनी बन गई कि नहीं, तो मोर्टिन भी जला दें, देख रहे हैं बच गई अभी, अब मैं आप लोगों से वीडियो शूट कर रहा था चाय गिर जाती, नहीं डाला हूँ ज्यादा। तो यहाँ पर मैंने मोर्टिन भी जला ली है, मच्छर भी बहुत परेशान करते प्राण, ये वाले मौसम में ना मच्छर इतना परेशान करते कि क्या बताओ।
तो फ्रेंड मैं आज का वीडियो आप लोगों के साथ यहीं एंड करता हूँ। आशा करूँगा फ्रेंड कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड यदि अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड आपका ना इस समय ना एक सब्सक्राइब भी ना हमारे लिए बहुत कीमती लगता है। तो फ्रेंड चलिए मैं आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।